परीक्षा को लेकर जिले में करीब 29 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 5 और 6 नवंबर को सीईटी की परीक्षा होगी। वहीं प्रशासन को मंगलवार तक भी परीक्षा केंद्र को लेकर फेरबदल करने में जुटा रहा। जिले में करीब 61,441 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचेंगे। पूना को छोड़ जिले के सभी खंडों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के अनुसार सीईटी परीक्षा का आयोजन एनटीए करवा रहा है। परीक्षा को लेकर फतेहाबाद में 14, टोहाना में 4, रतिया में 4, 7 जाखल में 1 और भट्टू में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में यहां करीब 12,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 100 से 150 किलोमीटर दूर से यहां अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। सीईटी संयुक्ता पात्रक परीक्षा 5 और 6 नवंबर को होगी। दोनों ही दिन सुबह और शाम के सत्र में परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:45 तक होगी और शाम को 3 बजे से लेकर 4:45 तक होगी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले आना होगा। 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र में एंट्री बंद हो जाएगी। परीक्षा केंद्र में उम्मीदवार को आधार कार्ड लेकर आना जरूरी होगा। उम्मीदवार की पहचान आंखों की पुतली से होगी। परीक्षा केंद्र में आधार कार्ड आधारित पुतली से परीक्षा देने वालों की पहचान की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक परीक्षा में प्रश्न के साथ उत्तर के 5 विकल्प गोला दिए जाएंगे। उम्मीदवार को 4 विकल्प में से कोई एक हल न करने की स्थिति में 5वें विकल्प को चुनना होगा। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार के अंकों में से प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से 0.95 अंक काट लिए जाएंगे।